आज हम बात करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में, साथ इसके स्टॉप लॉस और हम टारगेट की भी बात कर लेंगे अगले दिन 11 अक्टूबर के लिए। तो उससे पहले एक प्रीवियस क्लोज की तरफ हमारा सबसे नज़र जाएगा जो है 6203 पे। तो 6203 इसका प्रीवियस क्लोज था और साथ ही में इसकी जो शुरुआत होती है वो हमको काफ़ी नीचे से दिखता है, लगभग 50 अंक नीचे से हमको शुरू होता हुआ दिख रहा है और इसका इम्पैक्ट पूरे दिन भर में बहुत ज़्यादा रहा। शुरुआत में इसका थोड़ा घाटे के साथ शुरू हुआ लेकिन बाद में थोड़ा सा इसमें उछाल आया, लेकिन वो उछाल पूरे दिन भर में एक दो बारी और देखने को मिला था। ये लगभग हुआ था 12 और 1 बजे के बीच में। यहाँ से बीच की बात करेंगे तो यह बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहा है, पूरे दिन भर में कहीं पर भी एक सिंगल मीडियन बनाने की कोशिश नहीं हुई, लेकिन एक पर्टिकुलर लाइन जो बना था 6150 का, इस लाइन को पकड़ के इसके इर्द गिर्द ही पूरा दिन भर में व्यापार होने लगा है। इसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। देखिए शुरुआत यहाँ से होती है, फिर इसको छूने की कोशिश हो रही है, फिर यहाँ से दो बार ऊपर गया है, फिर नीचे आके फिर इसी लाइन को और टकरा के और ब्रेकअप करने की कोशिश हो रही है। तो इसीलिए इस लाइन को लेकर ही इसका आगे का चाल चलन रहेगा और यहाँ से फिर अब ये ऊपर की ओर जाने वाला है। तो कल जब आप इसमें देखेंगे और निवेश करने के लिए जाएंगे तो आपका इसमें स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 6130 का। जी हाँ, 6130 का एक आप टारगेट रखिए, इसमें आपका स्टॉप लॉस का, माफ़ कीजिएगा, स्टॉप लॉस का 6130 होना चाहिए और आपका जो इसमें टारगेट होना चाहिए जो आप अचीव आराम से कल कर पाएंगे वो होगा आपका 1679 का। जी हाँ, 16179 का आपका टारगेट होगा। हो सकता है आप उससे और 10 अंक आगे चले जाए तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 6179 तो आसानी से मिल भी जाएगा।